बसमिल् सुप्रीम कोर्ट ने जैसे ही हमजा शहबाज की हुकूमत को उड़ाया और उनको ऊबूरी वजे के तौर पर बिठा दिया और पीर मंगल के दिन उनका फ़ैसला भी हो जाना है उसके बाद शहबाज शरीफ को भी समझ आ गई और मरकज़ के अंदर भी यह पैगाम चला गया कि आपकी हुकूमत भी ज़्यादा देर रहने वाला नहीं है देखिए इस वक्त मामला क्या हो रहा है इस वक्त इमरान खान ने पंजाब के ऊपर तो कब्ज़ा हासिल कर लेना है लेकिन उन्होंने साथ ही मरकज़ के अंदर शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ भी महाज खोल लिया है और इतिहादी जमातों के साथ जो एलाइड पार्टी से उनके साथ रबते शुरू कर दिए इमरान खान ने बाकायदा तौर पर एक कमेटी बना दी है जिसके तहत उन्होंने फैसला किया है कि यह कमेटी जो कि इमरान खान की पार्टी टी के लोगों की है जिसके अंदर शाह महमूद कुरैशी असद कैसर असद परवेज खटक और उसमें असद उमर शामिल हैं फवाद चौधरी भी हैं इन्होंने ये जाके मिल मिल के इतिहादी जमातों से इनके साथ बातचीत करनी है कि ये वाली जो हुकूमत है आप इसमें से कोई एक जमात भी बाहर निकलती है उसके बाद यह हुकूमत खत्म हो जाएगी सदर इनको अहतमाद का वोट लेने का कहेंगे अहतमाद का वोट लेने में ये नाकाम होंगे और हुकूमत फारग हो जाएगी अब शहबाज शरीफ ने खुद फैसला कर लिया ये अहम तरीन वीडियो जारी है लेकिन इससे पहले वीडियो को लाइक करें दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें जब यहाँ से सुप्रीम कोर्ट से ये ऑर्डर जाना है उसके बाद ये पैगाम मिल गया अब शहबाज शरीफ ने ख़ुद फ़ैसला कर लिया है और नवाज़ शरीफ के साथ उन्होंने बातचीत कर ली अब नवाज शरीफ इस सारी सूरत हाल के अंदर सख्त नाराज़ हैं और मरियम नवाज़ और नवाज शरीफ़ ने ये अपने बंदे लॉन्च करना शुरू कर दिए उन्होंने ख्वाजा सादरफ़ी को लॉन्च किया उन्होंने पहले जावे लतीफ़ को लॉन्च किया खुरम दस्तगीर को लॉन्च किया और उनसे ये बातें कहवाईं उनसे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाने का बातें करवाने का मकसद ये था कि हम तो इस्टेबलिशमेंट की वजह से फंस गए हमें तो यहाँ पर डराया गया धमकाया गया और हमें कहा गया कि कोई बंदा आ जाएगा उसके बाद हम दस साल के लिए जेलों में चले जाएँगे और पता नहीं क्या होगा मुल्क के अंदर इसी वजह से हम अदम इतम के लिए मान गए और हम इस साजिश का हिस्सा बन गए अब इन्होंने ये बातें आहिस्ता आहिस्ता करना शुरू कर दीं और अब वो बात वापस जा रहे हैं अपने उस बया की तरफ वोट को इज़त दो और फलां करो ये करो वो करो अब ये दोबारा इन्होंने वो वाली बातें शुरू कर दी हैं अब नवाज़ शरीफ तो इस पर बड़ा क्लियरली कैटेगोरिकली बता चुके हैं उन्होंने आसिफ सरदारी को भी बता दिया मौलाना फजल रहमान को भी बता दिया और शहबाज़ शरीफ को अब बता दिया है कि आपने अब ज़्यादा देर हुकूमत नहीं चलानी क्योंकि ये हुकूमत जितनी देर चलेगी ये हमारे गले पड़ जाएगी और इस वक्त जितनी तंग है जितनी परेशान है जितनी वो बदवाएँ दे रही है जितना वो जलील हो रही है वो सारी की सारा मलबा जो है वो नून लीग के ऊपर गिरना है और नून लीग अब मज़ीद अफोर्ड नहीं कर सकी क्योंकि अब जो जूतहाल बनी है उसके अंदर चार सीटें निकाली हैं वो भी धांधली करके तो हम धांधली कितनी ज़्यादा कर लेंगे चार पांच सीटों से काम नहीं होने वाला अगर हम इसी तरह से हुकूमत चलाते रहे ये अगर दो महीने और निकाल गए तो इस वक्त मुल्क का तो कबाड़ा निकलेगा निकलेगा लेकिन नून लीग का मुकम्मल कबाड़ा हो जाना है और नून लीग मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगी इसीलिए नवाज शरीफ ने यह बड़ा कैटेगोरिकली बता दिया है शहबाज़ शरीफ को कि आपने अब ज़्यादा देर हुकूमत में नहीं रहना और अगले पाँच से दस दिन में आपने ये फ़ैसला करना है और फैसला करके आपने असेंबली को तोड़ना है इकतीस जुलाई से पहले पहले क्योंकि हमने अक्टूबर के अंदर इलेक्शन को लेके जाना है और अक्टूबर में इलेक्शन करवा दें क्योंकि ये दो तीन महीने का टाइम है यही दो तीन महीने का वक्त है लेकिन आसिफ जरदारी इसमें रुकावट बने हुए आसिफ जरदारी असल में डबल गेम कर रहे हैं और कुछ ऐसे लोग डबल गेम कर रहे हैं इस्टबलिशमेंट के भी कि देखें इस वक्त अगर इलेक्शन करवा दिए जाते हैं तो उससे क्या होगा उससे ये होगा देखिए इमरान खान की जो पॉपुलरिटी है इस वक्त आसमान पर है और जितने सर्वे आ रहे हैं जितने इस वक्त रिपोर्ट्स आ रही हैं वो सारी की सारी सपोर्ट कर रही हैं इमरान खान को और इमरान खान इस वक्त पॉपुलैरिटी के लिहाज से आसमान पर हैं इसी वजह से उन्होंने ज़िमनी इलेक्शन के अंदर भी क्लीन स्वीप किया और पब्लिक इस वक्त सबसे ज़्यादा सपोर्ट करिए आप मेन स्ट्रीम मीडिया उठा लें आप सोशल मीडिया उठा लें आप किसी जगह चले जाए बाहर किसी बाज़ार में महल में गली में किसी जगह चले जाए हर जगह आपको इमरान खान का सपोटर नज़र आएगा इमरान खान की बात करता हुआ नजर आएगा क्यों क्योंकि उनको पता चल गया है कि इमरान खान ने जो पेट्रोल की कीमतें थी जो बिजली के बिल थे जो गैस के बिल थे और बाकी तमाम चीज़ें वो कंट्रोल की हुई थी और जैसे ही है पिछले दो तीन महीनों से इन्होंने क्या काम किया इन्होंने सिर्फ ये वाला काम किया है कि इन्होंने आते साथ ही पेट्रोल की कीमतें बढ़ाईं गैस के बिल बढ़ा दिए बिजली के बिल बढ़ा दिए और ये सब कुछ करना शुरू कर दिया जिसकी वजह से अवाम के अंदर जो गुस्सा है अवाम जितनी बद दे रही है आवाम जितना जलील हो रही है वो इनकी वजह से हो रही है उन्होंने अब खुलकर आवाम ने अपने गुस्से का इजहार किया और इलेक्शन के अंदर जो ज़िमनी इलेक्शन हुआ था उसमें से सिर्फ चार सीटें और चार सीटें इन्होंने ज़बरदस्ती धांधली करके निकाली हैं नहीं तो नून लीग को चार सीटें भी नहीं मिलनी थी और पूरा का पूरा जो बीस सीटें हैं वो इलेक्शन इमरान खान ने लेकर चले जाना था अब ये उनको डर है अब आसिफ जरदारी इस्टेबलिशमेंट और पूरी नून लीग को यह डर लगा हुआ है कि इस वक्त हम कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि जो पॉपुलरिटी वो इमरान खान की बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है आसमान पर पहुँची हुई है और इमरान खान ने अब आराम से टू थर्ड मेजोरिटी ले लेनी है दो तिहाई अक्सरियत ले लेनी है इस वजह से ये सारे लोग परेशान हैं लेकिन अब इसमें सलूशन भी कोई नहीं क्योंकि इस वक्त अगर इलेक्शन नहीं करवाए जाते इलेक्शन नहीं होते तो जो इस वक्त क्राइसिस है आप डॉलर की सूरत हाल देखें डॉलर इस वक्त दो सौ तक पहुँचा हुआ है बैंकों ने एल खोलना बंद करती हैं 240 से ऊपर की वो एल खोलते हैं जो कारोबारी लोग हैं वो यहाँ से अपना इन्वेस्टमेंट निकाल रहे हैं और स्टॉक मार्केट आपकी क्रैश कर जाती है डॉलर आसमान पे पहुँचा हुआ है जिसकी वजह से जो मुआशी सूरत हाल है वो बहुत ख़राब हो रही है और मुल्क डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा है मुल्क के अंदर श्रीलंका वाले हालात हो सकते हैं ये ना हो कि डिफ़ॉल्ट हो जाए और इमरान खान ने पहले ही खबरदार कर दिया था इमरान खान ने पहले ही बता दिया था कि ये मुल्क डिफ़ॉल्ट हो जाएगा डिफ़ॉल्ट होने के बाद जो इंटरने नेशनल ताकतें हैं इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं वो क्या करेंगी वो ये करेंगी कि सबसे पहले आपकी जो आर्मी आपकी जो फौज है उसको हिट करेंगे टारगेट करेंगे उसके बाद अगला जो टारगेट होगा आपके न्यूक्लियर एसेट्स होंगे उनको आपने बचाना है अगर ये टारगेट करते हैं ये इसको निशाना बनाते हैं तो आपका मुल्क जो है वो दो से तीन टुकड़ों में तकसीम हो जाएगा तो इससे बचाने के लिए पहला जो वाद सलूशन है वो यही है कि आप मुल्क के अंदर इलेक्शन करवा दें ताकि मुल्क के अंदर ऐसी सूरत पैदा ना हो और मुल्क को बचाया जा सके अब ये फैसला हो गया है अब इस्टेबलिशमेंट ने कहा है कि हम इंटरवेंशन करके एक तो मुल्क के अंदर इलेक्शन करवाएंगे इंतखबा करवाएंगे और वो अक्टूबर के अंदर जाके होंगे इसी वजह से शहबाज़ शरीफ ने भी फ़ैसला कर लिया है कि वो इकतीस जुलाई तक ये तमाम का तमाम सिस्टम ख़त्म कर दें वो इसमेंबली को डिसॉल्व कर दें इलेक्शन की कॉल अनाउंस कर दें और उसके बाद एक अबूरी सेटअप आ जाएगा अबूरी सेटअप आते ही वो दो तीन महीने के अंदर आएगा दो तीन महीने के लिए आएगा उसके अंदर अंदर ही इलेक्शन हो जाएंगे और फिर उसके बाद जो सब से बड़ी अपॉइंटमेंट होनी है आर्मी चीफ की वो होगी वो अब इस कॉन्ट्रवर्सल हुकूमत से करवाना नहीं चाहते क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रवर्सल हो गई है इस वक्त हुकूमत नाम की चीज़ कोई नहीं है इनके पास कोई आइनी कानूनी कोई जवास नहीं कोई बुनियाद नहीं है और इसी वजह से अब ये फारग हो गए हैं शहबाज शरीफ ने अब ये फैसला कर लिया है नवाज शरीफ ने क्लियरली बता दिया है कि अब आपने मजीद नहीं चलना हम अफोर्ड नहीं कर सकते नून लीग फारग हो जानी है हम ट्रैप हो गए हैं हमारे साथ धोखा हुआ है हमारे साथ डबल गेम हुई हमने अपना बयानियाँ भी छोड़ दिया हमने वोट को इज़्ज़त देनी थी लेकिन हमने बूट पॉलिश करना शुरू कर दिए है ये हमारे साथ इतना बड़ा धोखा हुआ है इससे बाहर निकलें यह ना हो कि आसफ़ जरदारी मजीद हमारे साथ डबल गेम करें इस्टेबलिशमेंट हमारे साथ डबल गेम करें हम इससे बाहर निकलते हैं इलेक्शन में जाते हैं और अवाम की अदालत में जाते हैं अवाम जो भी फैसला करेगी वो हमें कबूल होगा वो हमें रिजेक्ट करते हैं तो हमें, हमें कबूल होगा वो हमें जितने भी सीटें देते हैं लेकिन धांधली वो एक रास्ता ज़रूर है जो कि नून लीक कर सकती है लेकिन इमरान खान अब इसमें सारी सूरत हाल के अंदर जीत गए हैं इमरान खान ने जो पहले दिन मुतालबा किया था पहले दिन डिमांड की थी कि मुझे इलेक्शन चाहिए अब इलेक्शन की तरफ मुल्क जा रहे हैं और इलेक्शन अक्टूबर के अंदर होंगे और इकतीस जुलाई से पहले पहले ये हुकूमत को डिसॉल्व करेंगे इसम्बली को डिसॉल्व करेंगे और इलेक्शन की कॉल अनाउंस कर दी जाएगी